सब ठीक है साहब, हमें विकास नहीं किया है। अखिलेश यादव आए हमारे यहाँ इस बार, ये ठीक ठाक है, संगठन बन रहा है, कुछ बढ़िया योजना है। अखिलेश भैया को जिताना है, बस विकास कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने इस ठेला पर लॉकडाउन लगा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जमानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हमारी जमानिया न्यूज की टीम मौजूद है घरोइया गांव में, जहां हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा करेंगे। सामने चाय की दुकान है और यहां पे जागरूक मतदाता और युवा मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है, जहां हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनका मुद्दा। जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी जमानिया न्यूज की टीम गांव-गांव जाकर और नगर नगर जाकर ये चर्चा कर रही है, लोगों से बात कर रही है कि क्या है उनका चुनावी मिजाज, क्योंकि हमारे जमानिया न्यूज का हर पल रहेगा यही प्रयास, गांव की तरक्की, गांव का विकास। आइए, हमारे साथ युवा मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। क्या बोली? क्या नाम है आपका? पुरान। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? सब ठीक है साहब। क्या लगता है आपको, इस बार की सरकार चेंज हो जाएगी? अब हमको क्या मालूम है, चेंज हो भी सकती है जी। क्या विकास हुआ है आपके गांव में? अरे कुछ विकास नहीं हुआ, वो जाकर पूछिए आप लोग। मतलब आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप चौधरी है। मैं आप एक युवा मतदाता हैं, कितना संतुष्ट है आप सरकार से? मैं संतुष्ट इतना हूँ कि वो हमारे गांव में विकास नहीं किया है, पर सबको मतलब सुरक्षित है जी। क्या आपके गांव में क्या क्या विकास हुए हैं? हमारे गांव में कुछ भी नहीं विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। युवाओं के लिए सरकार ने क्या क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। कोई सुविधा, शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा हमारे यहाँ से तीन बरस से देख ही रही हूँ आप जी, कि हमारे तीन बरस से सब युवाओं का और बूढ़ हमारे मतलब जवानों का सब पढ़ाई खराब हो गया है जी। हमारे साथ एक और लोग मौजूद है, युवा मतदाता है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या है चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। आई एम मंटू यादव फ्रॉम घरोइया। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार के मुद्दा है कि अखिलेश यादव आए हमारे यहाँ जी, बस और कुछ। तो आपको क्या लगता है इस बार सरकार चेंज हो जाएगी? अवश्य चेंज होगी जी। हमारे साथ और लोग मौजूद है, युवा मतदाता हमारे साथ। इन लोगों का जोश भरा माहौल देखकर मुझे एक लाइन याद आ रही है कि बुजुर्गों की है आराम की बारी, बुजुर्गों की है आराम की बारी, क्षेत्र की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी। हमारे साथ युवा मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। शिव पूजन। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार ये ठीक ठाक है। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? बहुत कुछ हुआ है जी। तो आप वर्तमान समय की सरकार से खुश हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार राम। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार की मुद्दा है यह बात है कि कुछ संगठन बन रहा है, कुछ बढ़िया योजना है जी। आप एक युवा मतदाता है, कितना संतुष्ट हैं आप सरकार से? बहुत सारे हैं लोग। युवा के लिए सरकार ने क्या क्या किया है? युवा के लिए सरकार ने कुछ बहुत अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट सब कर रहा है पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं जी। अपना परिचय दीजिए। हाँ बोलिए, क्या परिचय? अपना नाम बताइए। अमला सिंह यादव, बोलिए। आप तो देखने से ही लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो क्या मुद्दा है आपका? समाजवादी पार्टी। तो क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव? अखिलेश भैया को जिताना है बस जी। हाँ। क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया। देखिए, दिलदार नगर से बड़ौना तक का अखिलेश का रोड देन है जी, और करमहरी से नारायणपुर का अखिलेश का देन है रोड जी, और पुल करमहरी में बनी है अखिलेश यादव का। मोदी कुछ नहीं किया जी। मोदी तो देश को बेच दिया है। और बोलिए जी। अपना परिचय दीजिए। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हमारा कुछ मुद्दा नहीं। आपको क्या लगता है इस बार सरकार बदल जाएगी? बदलेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है, ऐसा ही लगता है। तो आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ है नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग वर्तमान समय के सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। हमारे साथ और लोग मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। हम विशेषर बैरागी ऑफिशियल जी। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में?
हम ये सोच रहे हैं कि अगली बार भी बीजेपी सरकार बने, इनकी बार भी हम लोग सपा सरकार सोचते हैं कि सपा सरकार भी आए जी। हम लोगों का यही मुद्दा है। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी को जी। क्या किया है उन्होंने? बहुत चीज हमारे लिए, देखिए बीजेपी सरकार ने इस ठेला पर लॉकडाउन लगा दिया जी। ये साल भर में मतलब ठेला का भी तुम दिया जा रहा है, मुआयना ले रहे हैं इस ठेले का। हम लोगों का सपा का सरकार बहुत बढ़िया है जी। तो सब कुछ मिला के ये बात ये है कि आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैम हमारा नाम धर्मराज सिंह है जी। जी क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, बीजेपी की सरकार न बने जी। जी तो क्या लगता है आपको इस बार सरकार बदल जाएगी? जी बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो कैसा विकास चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? मैम हम लोग विकास ये चाहते हैं कि जैसे कि सड़कें सही हो, किसान को मतलब उनकी जो सामग्रियां मिलनी चाहिए वो मिले, जैसे कि बीज महंगा हो गया है, खाद महंगा हो गया है, कीटनाशक दवाएं महंगी हो गई हैं, वो चीज़ मतलब सरकार हम लोग को मुहैया कराए। लाइन की भी समस्या हमेशा रहती है, बिजली की प्रॉब्लम रहती है, इस समस्या को दूर किया जाए। सड़कों की क्या स्थिति आपके क्षेत्र में? हम लोग के क्षेत्र में मैम सड़कों की स्थिति सबसे खराब है, गाजीपुर में सड़कें सबसे खराब है जी। आप भी तो जमनिया से बिलोंग करती हैं, आप तो देखती होंगी कि मतलब सड़क कितनी अच्छी है। अगर कोई महिला का डिलीवरी कराना हो, कहीं ले जाना हो, तो पता चलेगा रास्ता इतना खराब है, बुरा है कि रास्ते में ही कुछ हो जाएगा जी। जी तो हम लोग चाहते हैं मैम कि मतलब सरकार बदले, परिवर्तन हो। अपना परिचय दीजिए। सरकार अलग होना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। विपिन चौधरी। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव? इस मुद्दा ये मुद्दा है कि अखिलेश आए। अखिलेश यादव को चाहते हैं? क्या किया है उन्होंने ऐसा? आप क्यों चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए? पाँच साल में तो अखिलेश अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन आएंगे तो जरूर करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। तो आपको भी यही लगता है कि इस बार सरकार बदल जाएगी? सरकार बदलना चाहिए। हमारे साथ और लोग जागरूक मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद सरफराज खान, ग्राम। आपका क्या मुद्दा इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में? आगामी मुद्दा यही है हम लोगों का कि इतना महंगाई बढ़ गया है जी, इस शासन में कि इतना तो कभी किसानों का दुर्गति नहीं हुआ है। अभी हम लोग खाद, एक बड़ा खाद भी मिल रहा है तो आधार कार्ड पे अंगूठा लगाने पर, अब इससे बड़ा समस्या कुछ नहीं रह गया है। इस सरकार में इतना महंगाई बढ़ गया है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, और किसान तो और मर रहा है ना, तो कहीं धान खरीदारी हो रहा है और ना कहीं खाद मिल रहा है। 500 रुपये बोरी खाद मिल रहा है, बताइए इस शासन में अब किसान कहाँ जाएगा? इससे दुशासन कभी नहीं हुआ है। तो आने वाली सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं आपकी? प्रदेश में अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नहीं है, और हमारे क्षेत्र के मंत्री ओम प्रकाश सिंह से बढ़िया कोई नहीं है। अपना परिचय दीजिए। महेंद्र यादव मेरा नाम है। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा वही बेरोजगारी, किसान त्रस्त है, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त है। आज रोड सड़कें अच्छी नहीं है, पूरे लोग त्रस्त हैं, इसी मुद्दे पर वोट होना है। और इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी ही इस बार जीतेगी? इसलिए लग रहा है कि पूरी जनता त्रस्त है और सभी लोग चिल्ला रहे हैं, एक वर्ग नहीं सभी वर्ग के लोग जो है आज समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, कोई अकेला नहीं, सभी लोग वोट कर रहे हैं सपा को। अपना परिचय दीजिए। हृदय नारायण सिंह। हृदय नारायण जी आपका क्या मुद्दा है इस बार के चुनावी मिजाज? मुद्दा इस बार हमारे चुनावी मुद्दा ये होगा कि रोजगार जी, देश का विकास, प्रदेश का विकास, और आज हर वर्ग रोजगार के लिए परेशान है जी। कोई ऐसा जाति नहीं है जो रोजगार के लिए परेशान नहीं है। ये सरकार जो है कभी भी उत्तर प्रदेश के लिए भला नहीं कर सकती है। हर वर्ग का, खास करके पिछड़ा और दलित इस सरकार में बहुत त्रस्त है जी। ये सरकार हमारे भाइयों का आरक्षण खत्म कर रही है, पता नहीं कितने लाख नौजवान पढ़ करके बेरोजगार हो गए हैं, ओवरएज हो गए हैं। ये सरकार को इस बार जाना है, जनता ने मन बना लिया है, चाहे कितना भी ले सर्वे करा ले, इस बार इस सरकार को जाना है। तो क्या लगता है आपको इस बार सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल 101% सरकार बदल जाएगी। हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं इस बार, और सरकार बदलेगी। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं जिनकी पान की दुकान है, हम इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र मौर्य। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव पे? अरे सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है जी। महंगाई से सब लोग त्रस्त है। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है?
अरे देख रहे हैं आप क्या विकास हुआ है, आप इस रास्ते से आए हैं, देख रहे हैं यहाँ से जमनिया का रास्ता कैसा है, सपा के शासन का ही बना हुआ। आपके क्षेत्र में बिजली पानी की क्या स्थिति है? बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली टाइम से आती नहीं है। तो आप वर्तमान समय के सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे जागरूक मतदाता मौजूद है, युवा मतदाता भी हमारे साथ है और बारिश का भी मौसम है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या है इनका चुनावी मिजाज। अपना परिचय दीजिए। मेरा नहीं, उनसे पूछिए। आपका कोई मुद्दा नहीं है क्या इस बार के चुनाव में? नहीं, मेरा मुद्दा है ना। मुद्दा है तो आप हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार तिवारी है। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? महंगाई, महंगाई है। आप एक युवा मतदाता है तो सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार से संतुष्ट हैं लेकिन कहीं कहीं जगह पे संतुष्ट नहीं है जी। महंगाई पे और बेरोजगार पे, हम युवा हैं तो हमारे लिए बेरोजगारी ज्यादा दिक्कत है जी। बस यही सब बात है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति, विकास हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है? विकास देख रहे हैं, कुछ विकास नहीं हुआ। उधर जाके देखिए, रोड पूरा पानी पानी फैला हुआ है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? विधायक हम वही चुनना चाहते हैं जो विकास करे, चाहे वो सपा का हो चाहे बीजेपी का कोई भी हो। अपना परिचय दीजिए। विनय कुमार पांडे। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हम तो भाई सपा को जिताएंगे। सपा को जिताएंगे, क्या किया है सपा ने आपके लिए? सपा ने हमारे गाँव में बहुत सारे विकास किया है। जैसे कि आप बताएं। जैसे में टेबल हुआ जी, किसान को लैपटॉप दिया जी, ठीक है। सपा ने बहुत कुछ किया हमारे गाँव में जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय के सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। अपना परिचय दीजिए। व्रत गुप्ता। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हमारा तो अभी उम्र नहीं हुआ तो क्या बताएं हम। आपकी उम्र नहीं हुई है अभी तक, आप वोटर नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? इंदु देवी। इंदु जी, क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? उसमें कोई बात नहीं, ये अपना मुद्दा हमसे नहीं बताना चाहते। अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? चिंता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? अरे हमने कहा बताएंगे भाई। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? क्या विकास होता? सड़कों की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? अरे सड़क तो ऐसे ठीक है बा, ये हर का तो का ठीक बा, बिहार का ठीक बा, यूपी में इतना गंदगी खराब भजबा के आदमी का व्यवस्था। बिजली की क्या स्थिति है? ठीक है, बिजली अच्छे से आती है। तो वर्तमान समय के सरकार से आप खुश हैं? अरे सरकार का कौन ठेकाना बाकी के का को देता नहीं ठेका तो जी। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ एक दादाजी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, ये हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं। अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? रामा सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? चुनाव ठीक चल रहा है सरकार, और क्या करे के बाद जी। सरकार बनी हो तो सरकार ठीक चल रहा है। तो आप वर्तमान समय के सरकार से खुश हैं? ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे महिला मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? करुणा निधि। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? अच्छा, महंगाई कैसी है यहाँ पे? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। हाँ। महंगाई से आप परेशान हैं? हाँ जी। तो सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? हमें तो कुछ सुविधाएं नहीं मिली है। कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं, अब बारिश में है, पैदल जाना है घर पे जी। हाँ, तो रसोई चलाने में दिक्कत आती है? हाँ आती है, बहुत दिक्कत है। अपना परिचय दीजिए। अजय कुमार। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? हमको देना है मोदी को जी। कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ विकास हुआ है। विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है? क्या कहूँ, इस श्रम कार्ड में पैसा मिला है, राशन मिला है, हर चीज मिला है जी। बिजली पानी की क्या स्थिति है? बिजली मिल रही है। मिल रही है, मतलब आप वर्तमान समय के सरकार से खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश के बीच हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा। अपना परिचय दीजिए।
क्या नाम है आपका? रमेश। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? क्या बोलेंगे? आपको ऐसा लगता है कि इस बार सरकार बदल जाएगी? बदलेंगे, क्या करेंगे वही समझ में आ रहे हैं कि बदलेंगे जरूर। आपको ऐसा लगता है कि सरकार बदल जाएगी? बदल जाएगी। बदल जाएगी? आप वर्तमान समय की सरकार से खुश हैं या नहीं? हम घरोइया गांव में मौजूद हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत जोर से हो रही बाहर और लगातार हम बारिश के बीच ही लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका क्या है चुनावी मुद्दा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, जमानिया न्यूज़।